क्योंकि राघव जी जेल चले गए हैं तो फैमिली को लग रहा है कि ये सारी मुसीबतें मिश्री गैस हुई, क्योंकि जब से मिश्री आई तब से कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा है राघव जी के साथ। तो मैं भाई दीदी के पास जा रही होती ताकि उन्हें बता समझाने कि आप केस वापस ले लो, लेकिन फैमिली वाले मुझे रोक देते जाने देते, बोलते तूने ऑलरेडी सब खराब कर दिया तो अब और मत खराब करने कहीं जा। तो मुझे लोग जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब मुझे पास ऑप्शन नहीं होता कैसे बाहर जाऊं कहां से जाऊं। खिड़की देखती, दो खिड़की रहते जो घर के अंदर वाले हैं, बट एक खिड़की था जो बाहर का वो खुला नहीं है बहुत टाइम से, तो वो जाम हो गया रहता है। तो मैं उसको एक रॉड से लेके तोड़ने की कोशिश करती, थोड़ा टूटता लेकिन पूरा नहीं टूटता। फिर मैं एक टेबल उठा के लाती हूँ, टेबल से उसको तोड़ देती हूँ फाइनली। फिर मेरे को वहां चढ़ के अब कूदना है, तो फिर मैं वहां से कूदती हूँ और फिर बच भागती हूँ आती हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि हाँ वही हुआ, मैं आ रही थी तो फिर मेरे को दिख गया है कि मेरे आगे बच्चे लोग बहुत छोटे छोटे बोला वैसे बच्चे लोग जो धक्का देने की कोशिश कर रहे, बट उनकी टायर वहाँ उनकी वो पहिया होता है वहाँ फंस गया करते गड्ढे में, तो वो छोटे बच्चे धक्का नहीं दे सकते खुद से। वो तो मैं कहती हूँ कान्हा जी को कि आप मुझे सिर्फ परेशान कर रहे हैं, मेरी मदद भी करोगे कभी? तो फिर इवेंचुअली जहाँ पर गणपति बापा को ले जा रहे हैं वो जगह वाई दीदी की बाजू वाली गली है, तो मैं वहीं जाऊंगी अभी।